इफ्तार पार्टी चल रहा है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रही हैं, जिसमें लगभग सभी दल के नेता पहुंच रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में करीब दो बार बिहार के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात हो चुकी है, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। अब देखिए, जो गौर करने वाली बात है, जब 22 अप्रैल को 10 सर्कुलर आवास यानी राबड़ी देवी के आवास पर राजद की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, तो उसमें नीतीश कुमार पहुंचे थे, साथ ही साथ चिराग पासवान भी पहुंचे थे। उस दिन चिराग पासवान ने खुद उठकर नीतीश कुमार का पैर छुआ था, उनसे आशीर्वाद लिया था, जिसके बाद इस पर कई तरह की खबरें चली थी। अब कल जो ताज़ा प्रकरण है, कल देर शाम नहीं 6:30 बजे के आसपास जब इफ्तार पार्टी चल रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके बिहार के जीतन राम मांझी के आवास पर, तो वहां पर भी चिराग पासवान पहुंचते हैं और नीतीश कुमार भी पहुंचते हैं। देखिए, जो गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार जब वहां पहुंचते हैं तो वो खोज रहे थे चिराग पासवान को, कि दरअसल चिराग पासवान है कहां। और चिराग पासवान उठकर जाते हैं उनके इशारे पर, फिर उनका पैर छूते हैं। तो अब यहां पर सवाल ये उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार जो है, जब पहली दफा चिराग से मिले थे तो उस बार चिराग पासवान ने उन्हें अप्रोच किया था, लेकिन कल खुद नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को अप्रोच किया है और चिराग पासवान बजाते जाकर उनका पैर छूते हैं। पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, उनका जो कॉन्वर्सेशन है, उनकी जो बातचीत है वो आप सुन लीजिए। तो देखिए, नीतीश कुमार जब पहुंचे वहां पर तो उसके पहले ही चिराग पासवान वहां पहुंचे हुए थे और चिराग पासवान उनसे कुछ दूरी पर बैठे हुए थे। लेकिन नीतीश के पहुंचने के कुछ देर बाद जब उन्हें नजर पड़ा कि चिराग पासवान पर, तब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी की पार्टी के एक नेता को बुलाया और चिराग पासवान को बुलाने को कहा। वैसे नीतीश कुमार जो है वो चिराग पासवान को बुलाने का इशारा कर रहे थे, लेकिन पहले उनकी नजर मुकेश सहनी पर पड़ती है और मुकेश सहनी को लगता है कि शायद उन्हें बुलाया जा रहा है। लेकिन बाद में जब चिराग पासवान से नीतीश कुमार की नज़र मिलती है तो नीतीश कुमार हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम भी करते हैं। उसके बाद चिराग पासवान जो हैं वो नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं और उनके पैर छूकर प्रणाम करते हैं। वैसे इससे पहले भी तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में इन दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन तब चिराग जो हैं वो खुद गए थे सीएम नीतीश कुमार के पास, लेकिन कल सीएम ने उन्हें बुलाया है अपने पास। तो ऐसे में अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, लगातार भाजपा से जो दूरियां हैं, जो तकरार है जनता दल यूनाइटेड की, वो समय समय पर सामने आते रहती हैं। उसके बाद चिराग पासवान के साथ भाजपा ने जो रवैया अपनाया है, उन्हें पूरी तरह से गठबंधन से दरकिनार कर दिया, उनके चाचा को मंत्री बना दिया गया, उनके 12 जनपद को खाली करा दिया गया दिल्ली के आवास पर, तो उसके बाद से चिराग पासवान की दूरियां जो है वो भी भाजपा से अब बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, इनका बार बार मिलना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ा संकेत है बिहार में, चूंकि अब कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आप कह सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो अब बहुत दूर नहीं है, और ऐसे में नए समीकरण बिहार में बन सकते हैं, कई पुराने समीकरण टूट सकते हैं। और इन सभी मायने से, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद, चिराग की जो नज़दीकियाँ हैं नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव की जो नीतीश कुमार से नज़दीकियाँ हैं, ये तमाम प्रकरण बिहार में चल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।